हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है काठमांडू बाय विक्रम सेठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑथर अराइव्स एट काठमांडू एंड डिसाइडेड टू विजिट द फेमस टेम्पल ऑफ हिंदूज पशुपतिनाथ। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू गेट इनसाइड द टेम्पल। देयर इज ग्रेट चॉज इन द अराउंड द टेम्पल। ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल लाइक प्राइज्ड हॉकर्स, डिवोटीज एंड टूरिस्ट आर देयर। काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स ऑल्सो रोम अराउंड द प्लेस। एवरीबडी वॉन्ट्स टू इंटर द मेन टेम्पल। सम वेस्टर्न डिवोटीज आर नॉट अलाउड बाई द गार्ड्स एज दे आर नॉट हिंदूज। ऑथर जो है विक्रम सेठ, जब वो काठमांडू की ट्रिप पे गए थे तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो यहाँ की जो फेमस टेम्पल है जिसका नाम है पशुपतिनाथ, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ विज़िट करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है काठमांडू में, जहाँ पे सिर्फ हिंदू, जो हिंदू रिलीजन के लोग होते हैं, उन लोग ही अलाउड होते हैं अंदर जाने के लिए। मतलब टेम्पल के अंदर इंटर करना सिर्फ हिंदूज को अलाउ होता है और बाकी कोई भी पर्सन या पीपल अलाउड नहीं होते जो डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले होते हैं। और जो पशुपतिनाथ टेम्पल था, वहाँ उसके बाहर और अंदर और चारों तरफ टेम्पल के बहुत ही ज़्यादा नॉइज थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइवली एटमॉस्फियर था। और वहाँ पे हर तरह के पीपल्स जो थे, जैसे पुजारी, सामान बेचने वाले लोग, भक्त लोग और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आए थे। काउज, मंकीज, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी इधर उधर भटक रहे थे, रोम कर रहे थे। और जितने भी लोग वहाँ पे थे, सब चाहते थे कि वो उस टेम्पल के अंदर इंटर कर जाएं। और कुछ वेस्टर्न जो टूरिस्ट आए थे वहाँ पे विज़िट करने आए थे, उसको देखने आए थे पशुपतिनाथ टेम्पल को, उन लोग अलाउड नहीं थे, उन लोग को अलाउड नहीं था कि उन लोग अंदर जा सकें टेम्पल के। और सिर्फ वहाँ पे जो गार्ड्स होते थे, जो वहाँ पे गार्ड्स लगे होते थे, उन लोग और डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर इंटर करने नहीं देते थे। सिर्फ वहाँ पे हिंदूज को अलाउ था कि वो उस टेम्पल के अंदर इंटर करें। रिवर बागमती फ्लोज बाय द साइड ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल। देयर इज़ अ स्मॉल श्राइन ऑन द रिवर बैंक विच हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म। द पीपल बिलीव दैट वन डे द इंटायर श्राइन विल कम आउट, देन द गॉडेस इनसाइड इट विल एस्केप एंड वुड दस ब्रिंग एन इन टू द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग। जो पशुपतिनाथ टेम्पल था जहाँ पे ऑथर ने विजिट किया था वहाँ का एटमॉस्फियर देखने के लिए, उसी के साइड से एक रिवर नदी बागमती फ्लो कर रही थी, बह रही थी। वहाँ पे एक छोटा सा श्राइन था, कोई रिलीजियस प्लेस था रिवर के किनारे, जो रिवर के हाफ से दिख रहा था। और वो एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे बना था और जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन लोग बिलीव करते थे, उन लोग ये सोचते थे कि एक दिन ये जो श्राइन है, ये जो एक रिलीजियस प्लेस है, वो एक दिन बाहर आएगी नदी से, रिवर से, और फिर जो गॉडेस हैं, जो उसके अंदर भगवान हैं, वो वहाँ से हट जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे, और फिर ये जो कलयुग, जो बहुत ही ख़राब ज़माना चल रहा है, बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, कलयुग जिसको कहते हैं, वो उसका इविल कलयुग जो है उसका एंड हो जाएगा जब ये श्राइन बाहर आएगी। द ऑथर विजिट अनदर फेमस होली श्राइन द बुद्धनाथ स्तूप विच इज़ सराउंडेड बाई ट्रैन क्वालिटी। अनलाइक द पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज़ अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। स्मॉल शॉप्स ऑफ तिब्बत इम माइग्रेंट्स ऑन द आउटर एज ऑफ सेल बैग्स तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी। विक्रम सेठ जो ऑथर हैं, उन्होंने पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू में वहाँ पे विजिट किया। वहाँ के बाद उन्होंने एक और बहुत ही फेमस जो होली श्राइन थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे बुद्धनाथ स्तूप, वहाँ पे भी उन्होंने विजिट किया। वो जो वहाँ का
एटमॉस्फियर था पशुपतिनाथ टेम्पल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि पशुपतिनाथ टेम्पल में बहुत ज़्यादा चौज थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा लाइवली एटमॉस्फियर था। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं उन्हीं को सिर्फ अलाउ था इंटर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब ऑथर आए इस हॉली श्राइन में विजिट किया उन्होंने, जिसका नाम है बुद्धनाथ स्तूप, जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फियर से सराउंडेड था, आई मीन वहाँ पे कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था और वहाँ पे एक स्टिलनेस जैसा था माहौल, तो ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ एकदम शांत है। और छोटी छोटी शॉप्स थी वहाँ पे, जो तिब्बत के माइग्रेंट्स लोग होते हैं, मतलब तिब्बत के रहने वाले लोग यहाँ आके कुछ अपनी स्मॉल शॉप्स चलाते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो उन लोग की छोटी छोटी शॉप्स थी जैसे ज्वेलरी की और वहाँ के प्रिंट्स की। तो यहाँ का जो एटमॉस्फियर था पशुपतिनाथ टेम्पल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, ऑथर ने ये डिस्क्राइब किया है। द ऑथर एक्सप्लोर्स काठमांडू एंड इट्स लोकल मार्केट। द सिटी इज क्राउडेड एंड लाइवली। देयर आर स्मॉल श्राइन्स एंड डाइटीज अलॉन्ग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट। द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड विथ फ्रूट सेलर्स, फ्लूट सेलर्स, हॉकर्स एट्सेट्रा। पीपल प्ले फिल्म सॉन्ग्स लाउडली ऑन द रेडियोज। Car horns play and cycle bells rings. The author enjoys a lot but plans to return to his home. He goes to a Nepal Airlines office and buys a ticket for Delhi. Then he returns to his hotel to take some rest. जो author हैं उन्होंने काठमांडू और उसके local market को बहुत ही अच्छे से explore किया है। जो city थी वो बहुत ही ज़्यादा crowded और lively थी, I mean भीड़ से एकदम भरी हुई थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे shrines थे, मतलब traditional places थे, और जितनी भी shrines थी पूरी god और goddess की sculpture से भरी हुई थी, और जितनी भी narrowest और नैरोएस्ट स्ट्रीट्स थी, मतलब जितनी भी पतली स्ट्रीट्स थी, रास्ते थे, गली थे, वो एकदम बिजी थे, और जितनी स्ट्रीट्स थी बहुत ही ज़्यादा भीड़ से भरी हुई थी, एकदम कंजस्टेड थी उस स्ट्रीट्स में। उसमें फ्रूट सेलर्स थे, फ्लूट सेलर्स थे, सामान बेचने वाले कुछ लोग थे, और कुछ पीपल्स जो थे वो अपने रेडियो में बहुत ही ज़्यादा लाउड मूवी के सॉन्ग्स बजा रहे थे, कार हॉर्न्स प्ले हो रहे थे, और साइकिल की जो बेल होती है वो बार बार रिंग हो रही थी। ऑथर ने उस एटमॉस्फियर को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, लेकिन उन्होंने प्लान किया कि अब हमें घर लौटना चाहिए, इसलिए वो नेपाल एयरलाइन ऑफिस गए और वहाँ से दिल्ली के लिए एक टिकट ख़रीदा, और फिर वो अपने होटल आ गए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। Coming back to hotel, the author sees a flute seller. Unlike other sellers, he never shouts to sell his flutes. He looked to be in love with the music of flute. His music shoots the author's ear. It reminds him of the commodity of all mankind. The author always gets attached with the music of flute. He says that every culture has its flute, as there is a deep bansuri of Hindustani classical music. Clear and breathy flutes of South America, high-pitched flute of China, so it can be said that flute is played universally. The phrases on the bansuri affect the author deeply. He is surprised as he had not noticed such details in his earlier visits. जो ऑथर ने इस चैप्टर के, वो जब काठमांडू विज़िट किया उन्होंने, तो वहाँ की जो फेमस हॉली प्लेसेस थी, ट्रेडिशनल प्लेसेस थी, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया। जो पशुपतिनाथ टेम्पल था और बुद्धनाथ स्तूप, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नोटिस किया दोनों जगह में, दोनों प्लेसेस में। और फिर उसके बाद उन्होंने लोकल मार्केट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया और काठमांडू को एक्सप्लोर किया,
और फिर उसके बाद जब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया उन्होंने, फिर वो अपने होटल आए रेस्ट करने के लिए। फिर उन्होंने होटल के रूम से एक फ्लूट सेलर को देखा। जितने भी सेलर्स होते हैं वो अपने सामान को बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ लगाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, लेकिन उन सारे सेलर्स की तरह ये जो सेलर था, फ्लूट सेलर था, वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था, वो सिर्फ फ्लूट बजा रहा था। ऐसा देखने से लग रहा था कि वो जो फ्लूट सेलर है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक से प्यार करता है। और फिर जो म्यूज़िक निकल रही थी उसके फ्लूट से बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ऑथर जो है उनके ईयर को फ्लूट की म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट लगी। और फिर ऑथर जो है उनको ये रिमाइंड हुआ कि जो कॉमनैलिटी है सारे मैनकाइंड की, और ऑथर जो है हमेशा म्यूज़िक से, फ्लूट के म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी कल्चर होते हैं उन कल्चर्स का एक अपना एक फ्लूट होता है, जैसे डीप बांसुरी हिंदुस्तानियों की होती है क्लासिकल म्यूज़िक में, क्लियर एंड ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, हाई पिच फ्लूट ऑफ चाइना, सो इट कैन बी सैड, मतलब कह सकते हैं कि जितने भी फ्लूट हैं फ्लूट यूनिवर्सली प्ले होती है। और जो बांसुरी है, बांसुरी ने ऑथर को बहुत ही डीपली अफेक्ट किया। ऑथर सरप्राइज्ड थे कि उन्होंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोचा, क्योंकि जितने भी बांसुरी, किसी भी डिफरेंट तरह की बांसुरी हम ले लें, कहीं भी किसी भी प्लेस की बांसुरी ले लें, सारी बांसुरी जो होती है बैम्बो स्टिक से बनी हुई होती है, और जो बांसुरी का जो साउंड निकलता है प्लीजेंट साउंड, वो किसी भी इंसान के ब्रेथ से ही फूकने पे जब उसमें हम ब्लो करते हैं तभी वो बजता है। तो ऑथर ने कहा कि जितने भी पीपल होते हैं उसी तरह बांसुरी की तरह सेम पार्ट्स सेम बने हुए होते हैं, और जितने भी इंसान होते हैं उनकी सेम ब्रीथ होती है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी में। मतलब वो इक्वालिटी बताना चाहते थे और रेसेस ना करें हम इसलिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।